ठीक है तो हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास देख रहे थे और हमारा मुगल काल चल रहा था तो उसी उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे आज हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में ठीक है तो शुरू करते हैं शेरशाह शेरशाह का नाम फरीद बचपन का नाम फरीद था सुधार क्षेत्र राजस्व प्रशासनिक सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में इसने सुधार किया बंगाल सरकारों में विभक्त यानी कि जिलों में विभक्त किया इसने शुद्ध सोने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन शेरशाह के शासनकाल में हुआ चांदी का रुपया तांबे का दाम जो था वो एक संबंधित चौंसठ था यानी कि वन एक संबंधित चौंसठ विनिमय दर था कालिंजर विजय अंतिम विजय थी इसकी और शेरशाह की मृत्यु जो हुई वो 22 मई 1545 सौ ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई शेरशाह का मकबरा सासाराम यानी कि बिहार में स्थित है और कृषकों की सहायता के लिए इसने पट्टा और कबूलियत जो है लागू किया और दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया और सड़क आजम यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड जीटी रोड का निर्माण इसने कराया और ग्रैंड ट्रक जो रोड था वो सोनार गाँव बंगाल से लाहौर तक ठीक है तो शेर शाह सूरी के बारे में था अब आते हैं अकबर अकबर के काल को हम देखते हैं जन्म पंद्रह 15 अक्टूबर पंद्रह सौ बयालीस ईस्वी को पंद्रह सौ छब्बीस में बादशाह घोषित बैरम खां संरक्षण वकील नियुक्त और खान खाना की उपाधि आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री हरखा बाई से इसका विवाह हुआ सलीम जहांगीर का जन्म सलीम जो जहांगीर जहांगीर का नाम था सलीम का जन्म हुआ ठीक है और समर्थक चिश्तिया संप्रदाय का यह समर्थक था अकबर पंद्रह ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति पंद्रह ईस्वी में तीर्थयात्रा कर की समाप्ति और पंद्रह ईस्वी में जजिया कर इसने समाप्त किया अर्थात बासठ तिरसठ चौंसठ दास प्रथा तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर इसने समाप्त किया अकबर ने और फिर उसके बाद बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास बाबर ने किया फिर नेक्स्ट आते हैं तो मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था और सैन्य वेतन और संगठन का कार्य वीरभक्शी ही देखता था पंद्रह ईस्वी में घोड़े दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन 1574 से 75 ईस्वी में मंसरदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन अब आते हैं आईने दहशाला पद्धति का विकास जो अकबर के शासनकाल में हुआ अकबर द्वारा अपने शासन के 24 चौबीसवें वर्ष प्रारंभ किया आईने दहशाला पद्धति वास्तविक प्रणेता जो थे ये टोडरमल थे टोडरमल ने इसको आइडिया दिया और अन्य नाम टोडरमल बंदोबस्त तोहित इलाही अन्य नाम दीवानी दीवान इलाही पंद्रह सौ बयासी ईस्वी में स्थापना धर्मों के मूल सिद्धांत सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद का आधारित सर्व, सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति प्रधान पुरोहित अबुल फजल यानी कि जो है कि तौहित इलाही का प्रधान पुरोहित जो था वो अबुल फजल था और हिंदुओं में केवल बीरबल द्वारा यह स्वीकार्य था ठीक है मनसबदारी व्यवस्था देखते हैं अकबर के शासनकाल में जो थी वो मनसबदारी व्यवस्था कैसी थी तो मनसब श्रेणी और पद था मनसबदार श्रेणी पद प्राप्त अधिकारी कहलाते थे मनसबदार दसमरण दशमलव प्रणाली पर आधारित था मध्य एशिया से आयातित यानी कि मध्य एशिया से हमने लिया था इसे और शासनकाल के ग्यारहवें वर्ष में प्रारंभ अकबर के ग्यारहवें शासन मतलब शासनकाल के ग्यारहवा जो वर्ष था उसमें प्रारंभ हुआ और तीन प्रकार से था मनसबदार अमीन अमीर और अमीर आजम इसमें तीन श्रेणियां थीं मनसबदारी प्रणाली की तीन श्रेणियां थीं मनसबदार अमीर और अमीर आजम ठीक है चलते हैं नेक्स्ट अब थोड़ा कुछ तथ्य देखते हैं फिर हम जहांगीर पे आएंगे तो परसी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को कहा है स्थापत्य कला का मोती फ़तेहपुर सीकरी क्या था तो अकबर के गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी को नाम दिया गया नया नाम फतेहपुर सीकरी था अकबर के सिकंदरा का नया नाम रखा गया बहिस्ताबाद अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की फैज़ी की अध्यक्षता में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय शासक था अकबर अमेरिका की खोज का उल्लेख किया अबुल फजल ने और इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की गई ठीक है अब आते हैं जहांगीर के शासनकाल को देखते हैं तो जहांगीर जन्म 30 अगस्त पंद्रह ईस्वी को मानबाई पहली पत्नी अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री राजा मान सिंह की बहन जगत गोसाई दूसरी पत्नी उदय सिंह की पुत्री शहजादा खुर्रम की माँ राजा अभिषेक सोलह ईस्वी में आगरा के किले में नर नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि दो अस्पा सिंह अस्पा यानी कि दो अस्पा सवार पद के दोगुने घोड़े और सिंह अस्पा सवार पद के तिगुने घोड़े चित्तौड़ की संधि सोलह सौ पंद्रह ईस्वी राणा अमर सिंह के साथ राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ वापस कर दिया जुनता दल नूरजहां ने जहांगीर के विवाह के बाद बनाया जुनता दल अन्य सदस्य जो थे इसमें वो एतम उद्दौला मिर्ज़ा गियास बेग असमात बेगम आसफ खां शहजादा खुर्रम जहांगीर का जो शिष्टमंडल था विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा प्रतिनिधि बनकर मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था विलियम हॉकिंस और जहांगीर द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि प्रदत्त प्रदत्त था सर टामस रो अब आते हैं सर थामस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत था अजमेर में जहांगीर के दरबार में मिलने आया था और बादशाह के साथ शिकार भी खेलने गया नेक्स्ट फ्रांसिस्को पेल्सर्ट उच्च पर्यटक था डच पर्यटक था और रिमांस टेंटी पुस्तक इसने लिखी रिमांस स्टैंडी नेक्स्ट है स्थापत्य साहित्य और चित्रकला जहांगीर के दरबार में किस प्रकार से थे तो आइए देखते हैं स्थापत्य चित्रकला और साहित्य तो जहांगीर के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद मंसूर नादिर उल अस्त्र पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था ये उस्ताद मंसूर अबुल हसन व्यक्ति चित्र में महारत नादिर उल जमाइन का नाम था और तुझके जहांगीरी जहांगीर के आत्मकथा फ़ारसी भाषा में जहांगीर का मकबरा लाहौर में शहदरा में शहदरा और एतमादला का मकबरा अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में नूरजहाँ ने बनवाया और पूर्णता संगमरमर द्वारा निर्मित पहली कृति जो थी वो मिर्ज़ा गियास बेग की थी नूरजहाँ ने बनवाया था और पित्रा दूरा का इसमें प्रयोग किया गया था पित्रा दूरा शैली परिचय जन्म पंद्रह सौ माता जगत गोसाई पत्नी जो थी अर्जुबंद मानो बेगम यानी कि मुमताज महल राजाभिषेक आगरा में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित उपाधि अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद साहिब और किरण शाही की उपाधि साम्राज्य विस्तार अगर हम बात करें तो सोलह सौ ईस्वी में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया और संधि थी गोलकुंडा और बीजापुर से औरंगजेब सोलह सौ छत्तीस से चौवालीस ईस्वी और सोलह सौ बावन ईस्वी में दक्कन का सूबेदार रहा कांधार शाहजहाँ के समय अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया शाहजहाँ का शासनकाल मुगल काल का काल कहलाता है और मुगल काल का काल फारसी भाषा में दो शैलियाँ लिखी गई भारतीय फारसी और ईरानी फारसी कलीम राजकवि नियुक्त कविंद्राचार्य शजहाँ के आश्रित कवि थे कवि कल्पलता की रचना और बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर का समापन उपाधि सरस्वती की स्थापत्य कला अगर हम देखें जहांगीर के शासनकाल में तो दिल्ली की जामा मस्जिद आगरे का ताजमहल दीवाने आम दीवाने खास लाल किला शीश महल मोती मस्जिद आगरा में आदि का निर्माण करवाया और ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना और अन्य कार्य सिजदा एवं जमीन बोस की प्रथा समाप्त अब आते हैं औरंगजेब औरंगजेब के काल में क्या हुआ तो औरंगजेब के शासनकाल में दो बार राज्याभिषेक औरंगजेब का दो बार राज्यभिषेक हुआ था प्रथम 31 जुलाई सोलह को और दूसरी है 15 जून सोलह सौ सो उनसठ ईस्वी को उत्तराधिकारी युद्ध धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध धर्मत 15 अप्रैल सोलह सौ सो अंठावन दारा सिको के विरुद्ध और सामूगढ़ का विरुद्ध 29 मई सोलह सौ सो अंठावन को दारा सिको बनाम औरंगजेब एवं मुरीद की संयुक्त सेना पुरिंदर की संघी संधि राजा जयसिंह एवं शिवराज के मध्य शिवाजी के मध्य जून सोलह में बीजापुर गोलकुंडा पर आधिपत्य मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति इसी के शासनकाल में थे और शासनकाल का उत्तरा उत्तरार्ध इकतीस दशमलव छह प्रतिशत सेनापति हिंदू और आधे से अधिक मराठे ठीक है अब नेक्स्ट औरंगजेब के बारे में सत्रह सौ सोलह सौ उन्यासी ईस्वी में जजिया कर पुनर्जीवित किया इसने रजिया कर फिर से लगाया सिक्कों पर कलमा खुदवाना नौरोज का त्यौहार मनाना तुलादान तथा झरोखा दर्शन पर पाबंदी लगाया राविया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया अन्य नाम बीबी का मकबरा यानी कि राविया उद दौरानी के अन्य नाम थे बीबी का मकबरा ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला शैली इसी ने शुरू की अद्वितीय ताजमहल की उपाधि दी गई बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है और ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला शैली और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जहां आरा को शाहीबात उज जमाने की उपाधि संत जो थे वो रामदास इसके समकालीन थे मुगल कालीन प्रशासन तो मुगल कालीन प्रशासन की अगर हम बात करें तो सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी था सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर सैनिकों द्वारा मासिक वेतन निर्धारित और प्रांतों के बख्शी इसके नियंत्रण में भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी वेतनाधिकारी सर जदुनाथ सरकार के अनुसार और नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं घुड़सवार सैनिक अहदी घुड़सवार सैनिक जो थे वो आदि थे तो बादशाह द्वारा नियुक्त सैनिक आदि कहलाते थे और बादशाह के अंगरक्षक थे आदि और दाखिली कौन थे तो दाखिली बादशाह द्वारा भारतीय थे और मनसबदारों की सेवा में थे ये ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं तो मदद ए मांस मदद ए मांस विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि अन्य नाम सरयूगल सद्र दान की जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण करता स्थानांतरण का अभाव अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से मनसबदारी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था देख लेते हैं तो 33 वर्ग कुल 66 प्रचलन में 33 वर्ग थे और कभी-कभी मरु मसरूत अथवा शसार्थ पद अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात और सवार दोरी व्यवस्था लागू पहली दूसरी और तीसरी कोटी तीन श्रेणियां थीं जात के अनुरूप सवार आधे सवार आधे से भी कम सवार सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था और सैन्य और असैन्य अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग में लाना सिक्के टकसालों में सोने और चांदी और तांबे के सिक्के की ढलाई अकबर राम सीता की अनुकृतियों वाले सिक्के छपवाता था रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के दाम तांबे का सिक्का रुपया के चालीसवें भाग के बराबर था जहांगीर के अगर हम बात करें तो जहांगीर अपने साथ जो है कि सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित करवाता था और कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूर जहां का नाम अंकित हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित आकृति ठीक है नेक्स्ट मुगल कालीन संगीत चित्रकला की हम बात करेंगे तो कालीन संगीत चित्रकला संगीत अकबर के दरबार में तानसेन प्रमुख द्रुपद गायक अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे मूल नाम राम तनु पांडे था अकबर के नवरत्नों में से एक थे अकबर के दरबार में पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में और अकबर द्वारा कंठा भरणवाणी जो है कि उपाधि धारण की, की गई थी विलास की उपाधि प्रदान और मोहम्मद शाह रंगीला नेक्स्ट है मोहम्मद शाह रंगीला ख्याल गायन लोकप्रिय और औरंगजेब के शासनकाल में संगीत इस्लामी विरोधी था और पाबंदी थी इस पे और स्वयं एक कुशल वादक था औरंगजेब चित्रकला की अगर हम बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में संगीत जो है कि बैन था ठीक है पाबंदी थी संगीत पे ठीक है चित्रकला चित्रकला की अगर हम बात करें तो मुगल शैली का प्रारंभ करता हुमायूं था ठीक है हुमायूं के चित्रकार मीर सैयद अली ख्वाजा मनद अकबर के चित्रकार दसवंत बसावन और जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन उस्ताद मंसूर जो उस्ताद मंसूर था नादिर अस्र जो था ये आ, जो है कि पक्षियों का और जानवरों का चित्र बहुत ही उम्दा किस्म का चित्र बनाता था उस्ताद मंसूर अन्य तथ्य थे अगर जहांगीर से संबंधित मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का शासन कहा जाता है मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग और चित्रकला का कुशल पारखी था जहांगीर साहित्य की अगर हम बात करें तो फारसी मुग़लों की राजभाषा थी और जो फारसी थी वो मुगलों की राजभाषा थी नस्तलिक जो फारसी लिपि थी मुग़ल साहित्य गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा यानी कि हुमायूं नामा किसने लिखा है तो गुलबदन बेगम ने बाबर एवं हुमायूं का इतिहास हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन हुमायूं नामा में है अकबर के आदेश पर लिखा गया अब देखते हैं कुछ लेखक और उनकी पुस्तक कृति तो निज़ामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी अब्बास खां शेरवानी तारीख़ शेरशाही हसन निज़ामी ताज़ुलमाशिर ख्वादम ख्वाद मीर कानून हमायूँ हमायूनी अभीम सेन नुस्खा मिर्ज़ा मोहम्मद काजीम आलमगीर नामा हुसैन, रियाद सियादुलख्तीन मोहम्मद साहेल आलेम साहेल इनायत खां शाहजहाँ नामा चंद्रभान ब्रह्मण चहार चमन मोत मिद इकबाल नामा अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाह नामा अकबर अकबरनामा और केशव केशव दास रामचंद्रिका केशव दास रसिक प्रिया विदेश यात्री अगर हम बात करें तो विदेश यात्री जो थे वो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत की यात्रा की ट्रेवर्नियर ने शाहजहाँ के शासनकाल में भारत की यात्रा की पेशे से जौहरी था छह बार भारत की यात्रा की और पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया था नेक्स्ट विदेशी यात्री की हम बात करें तो मनुची इतालवी यात्री था दारा सिखों की सेवा तोपची के रूप में की बाद में चिकित्सा का पेशा बना अस्टोरियो दो मुगोर मुगल इंडिया संस्मरण अन्य नाम सत्रहवीं शताब्दी में भारत का दर्पण मुगल काल के बारे में अन्य अब हम बात करेंगे हेमू हेमराज तत्कालीन स्रोतों के नाम बक्काल रेवाड़ी में सोरे का व्यापारी और इस्लाम शाह की सेवा आदिल शाह के समय सम्मान और कद बढ़ा वजीर और सेनापति बना और तरदी बेग को परास्त कर विक्रमादित्य विक्रमजीत की उपाधि धारण की विक्रमादित्य विक्रम या विक्रमजीत की उपाधि धारण की हेमू या हेमराज विदेशी यात्री और भारत में यात्रा की अवधि देखते हैं तो हाकिंस जो आया था वो 1608 से 1611 सौ ईस्वी में सर टामसरो सोलह से 1619 सौ ईस्वी मनुची सोलह से सत्रह सौ आठ राल्फ फ्रेंच जो थे वो पंद्रह से पंद्रह ईस्वी युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं तो खानवा घाघरा चौसा सामूगढ़ का युद्ध ठीक है तो पंद्रह सौ सत्ताईस उनतीस पंद्रह सौ उनतालीस और सोलह सौ अंठावन ये था महत्वपूर्ण तथ्य अब देखते हैं घटना और संबंधित शासक तो हल्दी घाटी का युद्ध तो हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध खुसरो का विर, विद्रोह जहांगीर और खानवा का युद्ध बाबा राणा सांगा के विरुद्ध खानवा का युद्ध ठीक है तो ये था और अमरम विजय विजयनगर में नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए दिया जाने वाला विशेष भूखंड था अमरम मुकासा मराठा शासन में चौथ की आय का छाछसठ प्रतिशत मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दे और सूरत बंदरगाह का अन्य नाम था बाबुल मक्का या मक्का थेरी ठीक है ठीक है फिर नेक्स्ट चलते हैं गुरु नानक एवं सिख संप्रदाय तो गुरु नानक के बारे में हम जानेंगे जन्म चौदह सौ उनहत्तर ईस्वी में ता, तालवंडी नानका साहिब के नाम से विख्यात जो है वो ताल, तालवंडी में वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है पूर्व में शेखपुर जिला का भाग और वर्ष उन्नीस सौ में गुरु नानक की पाँच जयंती का आयोजन किया गया था मृत्यु पंद्रह सौ उनतालीस ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर में इनका कथन क्या था कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछता क्योंकि दूसरे लोग में दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती और शिक्षाएं थी एकेश्वरवाद में विश्वास और निर्गुण ब्रह्म की उपासना रचनाएं थी सबद और जपची साहिब विशेष तथ्य थे सिकंदर लोधी के समय सिख धर्म की स्थापना की इन्होंने और गुरु का लंगर स्थापित किया या शुरुआत की उदासी नामक धर्म प्रचार यात्रा का प्रारंभ संसार के नौ क्षेत्रों में यात्रा की नौ खंडों में यात्रा की इन्होंने सिख गुरु परंपरा गुरु अंगद गुरु अंगद के बारे में हम जानेंगे तो गुरु पंद्रह सौ से या पंद्रह सौ बावन स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया मूल नाम भाई लहना गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त और गुरुमुखी लिपि के जनक सिख गुरु परंपरा से संबंधित तथ्य गुरु अमर अमरदास धार्मिक साम्राज्य को 22 गद्दियों में बांटा ठीक है और गुरु रामदास अमृतसर की स्थापना की इन्होंने गुरुपद को पैतृक बनाया गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की ठीक है नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव पंद्रह सो से सोलह सौ सो तक आदि ग्रंथ का संकलन और अमृतसर में दरबार साहिब की स्थापना तरन तारण और करतारपुर नगर बसाए अविद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा कैद और फांसी तो जागीर ने गुरु अर्जुन देव को ही फांसी दे दी गई थी दे दी थी और गुरु हर हरगोविंद सोलह से सोलह सौ चौवालीस अकाल तथ्य की स्थापना तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति में इन्होंने बदला अमृतसर की रक्षा हेतु लाहौरगढ़ किले का निर्माण पीरी और मीरी दो अस्त्र अकीरतपुर नगर की स्थापना गुरु हर राय चौदह से सोलह दारा सिखों का समर्थन औरंगजेब के बुलावे पर पुत्र राम राय को भेजा और गुरु हरकिशन सबसे कम अवधि आठ वर्ष की आयु में चेचक से मृत्यु बाल गुरु उपनाम गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब की स्थापना की इन्होंने और किसानों का नेतृत्व तथा कश्मीर ब्राह्मणों के लिए संघर्ष आगरा प्रयाग बनारस सासाराम पटना मुंगेर ढाका और असम की यात्रा की इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड शहीद अस स्थल पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा चांदनी चौक दिल्ली शीशगंज अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम थोड़ा जानेंगे 1675 से 1708 सौ ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है तो गुरु गोविंद सिंह तेरह अप्रैल सोलह सौ निन्यानवे ईस्वी को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की जिन्होंने स्थापना की धर्माचार्य पाहुल का प्रवर्तन नाम के साथ सिंह या कौर लगाने का प्रारंभ पांच करार कड़ा कृपाण गंगा केस और कक्षा का प्रयोग अनिवार्य किया और निर्मल की स्थापना सिख शिक्षकों को दी जाने वाली पदवी थी यह निर्मल ये जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी बहादुर शाह से संधि और एक बड़ा मनसब प्राप्त किया और उसके साथ दक्षिण अभियान पर गए और नांदेड़ यानी कि महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या हो गई इनकी और समाधि स्थल पर हजूर साहिब गुरुद्वारा तो ये थे हमारे गुरु गोविंद सिंह अब हम बात करेंगे मराठा मराठा राज्य और संघ की ठीक है तो हम मिडवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारतीय इतिहास देख रहे हैं तो मराठा राज्य और संघ शिवाजी शिवाजी के परिचय जन्म शिवनेर के दुर्ग में राजधानी रायगढ़ राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा अफजल खान द्वारा वध किया गया इनका सोलह सौ सो पैंसठ ईस्वी में जयसिंह के साथ पुरिंदर की संधि सोलह सौ सो ईस्वी में औरंगजेब द्वारा आगरा में कैद और सोलह सौ सो ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि सोलह सौ ईस्वी में मृत्यु शिवाजी के अष्ट प्रधान की अगर हम बात करें तो शिवाजी के अष्ट प्रधान को देखें तो अष्ट प्रधान में सुमंत दबीर यानी कि विदेश मंत्री पेशवा राजा का प्रधानमंत्री कहलाता था अमात्य यानी कि मजमूदार वित्त एवं राजस्व मंत्री था वाकिया नवीस यानी कि मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन के कार्रवाइयों का विवरण रखना वाकिया नवीस का कार्य था सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना सेनापति सर सैनिकों की भर्ती संगठन का प्रबंध करता था तो शिवाजी के अष्ट प्रधान थे अब हम आते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध चौदह जनवरी सत्रह सौ इकसठ ईस्वी पानीपत के तृतीय युद्ध में तो सदा भाऊ मराठा सेना बनाम अहमद जाली अफगान सेना के मध्य हुआ था काशीराज पंडित प्रत्यक्ष दर्शी थे इसके और यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी था काशीराज पंडित इसके प्रत्यक्षदर्शी थे व्यापारी कूट संदेश बालाजी बाजीराव को दो मोती वलीन बाईस सोने की मुहरें लुप्त चांदी तांबे और सिक्के की पूरी गणना नहीं और तत्कालीन कारण था पानीपत का तृतीय युद्ध होने का तात्कालिक कारण था अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वाय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने का इच्छा ठीक है तो अमर शाहब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा थी तो पानीपत का तृतीय युद्ध सदाशिवराव भाऊ और अमर शाहब्दाली मराठा सेना के मध्य हुआ था अब हम देखते हैं परवर्ती मुगल शासक यानी कि उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन थे तो बहादुर शाह प्रथम जहाँदार शाह फरूख मोहम्मद शाह शाह आलम दुतीय और बहादुर बहादुर शाह दुतीय ठीक है तो बहादुर शाह प्रथम अन्य नाम शाह आलम मूल नाम मुअज्जम, शासनकाल सत्रह सौ सात से सत्रह सौ बारह ईस्वी तक अन्य नाम था साहिब ख़बर खफ़ी खां द्वारा प्रदत्त ठीक है बहादुर शाह ने जहाँदार शाह के संबंध में अगर हम बात करें तो सत्रह सौ बारह से तेरह शासन कार्य के नितांत अयोग्य अयोग्य शासक जुजार खान की सहायता से गद्दी प्राप्त हुआ फरूख सियर से परास्त हुआ और सत्रह सौ तेरह ईस्वी में मारा गया फरूख सियर सत्रह सौ सत्तर का फरमान और अंग्रेजों को तीन हजार वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार पुष्टि और मोहम्मद शाह की अगर हम बात करें तो सत्रह सौ उन्नीस से सत्रह सौ अड़तालीस ईस्वी तक शाहजहां द्वारा बनाया बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह और नादिर शाह का आक्रमण हुआ करनाल युद्ध में मुगल सेना परास्त रंगीला नाम से प्रसिद्ध हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ था इसके शासनकाल में शाह द्वितीय कार्यकाल सत्रह सौ उनसठ से अठारह सौ छह ईस्वी मूल नाम गौहर दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से संतावन ईस्वी तक बिना साम्राज्य का सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमा एक लाख रुपये पेंशन और 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद शाह ठीक है मोहम्मद साधुतीय यानी बहादुर साधुती की ठीक नेक्स्ट अब मुगल कालीन विवध की बात हम करें और अगर तथ्य की हम बात करें तो तुलसीदास तुलसीदास रामचरित मानस की रचना अवधि भाषा में की ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ था रामचरित मानस विनय पत्रिका जीवन काल इनका था पंद्रह सौ बत्तीस से सोलह सौ सो तेईस ईस्वी तक और नाम उल्लेख आईने अकबरी में अबुल फजल के आईने अकबरी में इनका नाम उल्लेख था सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि और अकबर जहांगीर के शासन यानी समकालीन शासक थे अकबर का मकबरा निर्माण कार्य जहांगीर ने करवाया विशेषता गुम्बद विहीन अकबर का मकबरा और पांच मंजिला है और प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी स्थिति सिकंदरा राव सिकंदरा गांव निर्माण की योजना स्वयं अकबर ने की थी ठीक है तुलसीदास तुलसीदास के बारे में बात करें तो बड़े ग्रंथ छोटे ग्रंथ बड़े ग्रंथों में दोहावली गीतावली कवितावली रामचरित मानस विनय पत्रिका छोटे ग्रंथों में पार्वती पाव पार्वती मंगल जानकी मंगल बरवै रामायण वैराग्य सं, संदीपनी कृष्ण गीतावली नेक्स्ट है आगरा के किले की अगर हम बात करें तो अकबर द्वारा निर्मित अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण आगरे का किला जहांगीर महल इसी किले में स्थित अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में निर्मित किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित पाँच सौ से अधिक भवन ठीक है रचनाकार रचना और रचनाकार की बात हम करें तो हमारे भक्त नामावली ध्रुपद नाभादास भक्तमाल उस्मान चित्रावली और केशवदास रसिका प्रिया रामचंद्रिका चंद्रिका और कवि प्रिया ठीक है तो ये थे इसी तरह से अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के नवीन धर्म चलाने के विचार का त्याग किया कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह सरियत के नियमों आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था यह कथन कहा गया है बर्नी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया अलाउद्दीन खिलजी ने और ये अन्य तथ्य हैं तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में और दाखिल दरवाजा गौड़ लाल दरवाजा जौनपुर अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल पंडुआ स्थापत्य और अवस्थिति के बारे में है ये तो इस तरह से आपका मध्यकालीन भारत समाप्त तो होता है और थोड़ा थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं शासक और स्मारक दोहरा गुम्बद सिकंदर लोदी अष्टभुजीय मकबरा शेर शाह गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह और सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन और जहांगीरी महल के बारे में बात करें तो प्रेरणा स्रोत मानसिंह महल द्वारा और झुकाव था हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर और निर्माता इसके अकबर हैं महा चैतन्य प्रभु के बारे में हम बात करें तो पिता जगन्नाथ मिश्र माता सची देवी संस्थापक मध्य गौड़ीय संप्रदाय के कृष्ण थे आराध्य देवता और भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे निमाई था बचपन का नाम और जन्मस्थल इनका नादिया जिला बंगाल मध्यकालीन कवि और रचनाएं की अगर हम बात करें तो चंदायन की रचना जो थी मुल्ला दाऊद ने की पद्मा पद्मावती कथा दामोदर कवि राग विरोध सोमनाथ आशिका अमीर खुसरो वारकरी संप्रदाय वारकरी संप्रदाय में मुख्य पीठ संस्थापक अन्य संत और विशेष तथ्य तो पंड पंडरपुर महाराष्ट्र ज्ञानेश्वर अग्रगण्य नामदेव तुकाराम और विशेष तत्व में विठोबा की पूजा करते थे और कृष्ण के अवतार ये थे माना जाता है हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध पंद्रह सौ छिहत्तर ईस्वी में महाराणा प्रताप बना मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य हकीम खान सूर महाराणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करता और परिणाम हुआ महाराणा प्रताप की विजय तो इस तरह से हमारा ये मध्यकालीन भारत समाप्त होता है अब हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद